वैसे समर तुम बहुत खुशकिस्मत हो, नोमी तुम्हें बड़ा प्यार करता है। पर कि दोनों लड़ते भी बहुत है। हाँ, पर आपस में लड़ने से प्यार भी तो बढ़ता है ना। क्या, मैं अभी हाशिम जी से लड़ कर आती हूँ। मामा वो बात करें। हैं? मैं अभी तक चुप थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। समर सिस्टर, नोमी तुमसे बहुत लव करता है, अपसेट है वो तुम्हारे से कि तुम उससे अपसेट हो गई हो। किसी और लड़की के सलाम तक का जवाब नहीं देता वो। सलाम का जवाब तो देना चाहिए ना। बेहतरीन का मतलब है वो किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। देखो मत लड़ो, उसके लिए कहवा बनाओ और मीठी मीठी बातें करो। लड़ाई के बाद सुलह हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही जैसे टाइम गुजारने के बाद बंदा रिलैक्स फील करता है। आपको याद है आज के दिन आपने इजहारे मोहब्बत किया था? मुझे कैसे याद रहेगा, मेरा तो रूटीन है। मेरा मामू, तुमने अपनी फ्रेंड सभा को फोन किया, तुमसे इजहार करता रहता हूँ, रूटीन है ना। अच्छा कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन इन लोगों को ना बताना वरना सब तैयार होके खड़े हो जाएंगे। हाँ वो तुमने अपनी फ्रेंड सभा को फोन किया था ना, वो अभी तक आई नहीं। आ जाएगी, आप तैयार हो जाएं जल्दी। अरे तैयार होने की क्या जरूरत है, मैं तो तैयार हूँ और तुम भी। लेकिन खामोशी से, इन लोगों को पता ना चले। हाँ चलो आजा। अरे जल्दी करो कहीं हम लेट ना हो जाएं। लेट ना हो जाएं इसीलिए तो हम पहले से ही रेडी हो गए हैं। खाला आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो चुप करके? चुप करके तो नहीं जा रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे। हम तुम्हारे साथ जा रहे। अच्छा बताओ हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम खाने पर नहीं जा रहे। तू इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? आपकी तो कोई फ्रेंड आ रही थी ना? हाँ, वो मेरी क्लास फेलो सबा। हाँ, सबा उसी को देखने जा रहे हैं। असल में ना उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी ना सारी हड्डियाँ टूट गई, यहाँ वहाँ सब जगह की हड्डियाँ टूट गई। हाँ उसकी ना हालत नाजुक है, बस समझे हम उसका मुंह देखने जा रहे हैं। मुंह देखने जा रहे? फिर तो मैं भी जाऊंगी, मरने वाले को उसका मुंह देखने का ना बड़ा सवाब है, और पता है मुझे शौक भी बहुत है इसका।